हाय एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 बीकॉम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां से आप बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम रैंकिंग, एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में जो रैंकिंग डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग ही हुआ। तो इंडिया टुडे ने जो भी रैंकिंग दी है उसी रैंकिंग के बेसिस पे हम यहाँ पे सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप बी कॉम कोर्स कर सकते हैं। तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है ये काफ़ी पुराना कॉलेज है। ये 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जो फीस है बीकॉम कोर्स की वो लगभग 15,000 पर ईयर है एंड एसटीएससी के लिए फीस थोड़ी कम होती है। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके ट्वेल्थ में मिनिमम 45% होनी चाहिए और मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी है ट्वेल्थ में तो आप एलिजिबल हो। एडमिशन कैसे होता है? मेरिट बेसिस एडमिशन होता है आपका। मतलब ये कि आपके ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज है या जो भी परसेंटेज है उस परसेंटेज के बेसिस पे आपका कट ऑफ आता है और अगर आपका नाम उस कट ऑफ में है तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको? ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज स्कोर करना है अगर आप श्रीराम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो 98% लगभग आपका कट ऑफ जाता है, तो इसके आसपास ही आपके परसेंटेज होने चाहिए। नंबर टू है हिंदू कॉलेज, जो कि न्यू दिल्ली में है और ये इनिशियली पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी बट अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो काफ़ी पुराना कॉलेज है ये हिंदू यूनिवर्सिटी, इसलिए ये टॉप रैंक्ड कॉलेज है इंडिया का। और यहाँ पे फीस जो है बीकॉम कोर्स की वो 18,260 के आसपास है, तो ये आपकी एक साल की फ़ीस है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, ट्वेल्थ पास आउट आप होने चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। एडमिशन बेसिकली आपका मेरिट बेसिस ही होता है, तो आपका जो प्रीवियस कट ऑफ है वो 98.25 के आसपास परसेंटेज के आसपास गया था, तो आपके अगर 98% के आसपास है तो आपके बहुत इजीली एडमिशन हो जाते हैं। यहाँ पे टोटल 79 सीट्स है बीकॉम कोर्स के लिए। एंड नेक्स्ट है लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वेमेन, जो कि दिल्ली में है और ये जो कॉलेज है इस कॉलेज को इंडिया टुडे ने थर्ड रैंकिंग दी है बट NIRF ने इसे फिफ्थ रैंकिंग दी है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड जर्नलिज्म। यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें तो एक साल की फ़ीस लगभग 20,000 के आसपास होती है और जून के मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। कट ऑफ की बात करें तो 98% के आसपास ही आपका कट ऑफ जाता है। नंबर फोर्थ है हंसराज कॉलेज, जो कि न्यू दिल्ली में है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड है। एलिजिबिलिटी के लिए ट्वेल्थ में आपके मैथमेटिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स है विद मिनिमम 45% इन एग्रीगेट, देन यू आर एलिजिबल। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली आपके मेरिट बेसिस से एडमिशन होता है। मोस्टली जो टॉप लेवल के जो कॉलेजेस है बीकॉम कोर्स के लिए वहाँ पे आपका एडमिशन जो है वो मेरिट बेसिस ही होगा, यानी कि आपके ट्वेल्थ में अच्छे से अच्छे परसेंटेज होने ही चाहिए। यहाँ का जो कट ऑफ जाता है वो मैक्सिमम 99.25% के आसपास जाता है, यानी कि अगर आपके मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज है तो ही आप हंसराज कॉलेज जो कि न्यू दिल्ली में उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे भी फ़ीस आपकी अराउंड 20,000 to 21,000 एक साल की फ़ीस है और सीट्स है 260। नेक्स्ट है लॉयला कॉलेज, जो कि चेन्नई में है और इसे NIRF ने सिक्स्थ रैंकिंग दी है जबकि इंडिया टुडे ने इसे फिफ्थ रैंकिंग दी है। ओके, तो यहाँ की फ़ीस अगर हम बात करें तो लगभग 12,650 रुपीज़ एक साल की है और यहाँ पे चार स्ट्रीम्स है। आप बीकॉम जनरल डिग्री कोर्स कर सकते हैं, आप स्पेशलाइज हो सकते हैं, इसमें तीन स्पेशलाइजेशन दिया गया है। एक है आपका कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप, सेकेंड अकाउंटिंग एंड फिनांस, थर्ड कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सो सभी की फ़ीस सेम है, फीस में कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड एलिजिबिलिटी के लिए आप अगर ट्वेल्थ कॉमर्स बैकग्राउंड से आपने किया है तो आप एलिजिबल हो, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि चेन्नई में है। अब मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो है वो मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और यहाँ पर आप जनरल बीकॉम कोर्स कर सकते हैं या फिर बीकॉम आप अकाउंटिंग एंड फिनांस से कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए आप ट्वेल्थ कॉमर्स बैकग्राउंड से पास आउट हो या फिर ट्वेल्थ में आपके अकाउंटेंसी या बिजनेस मैथमेटिक्स से, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, एडमिशन अगेन आपका मेरिट बेसिस ही होगा। नेक्स्ट है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी, जो कि बैंगलोर में है और यहाँ पे आप बीकॉम एंड
बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं। तो फीस में काफ़ी वेरिएशन है। अगर आप जनरल डिग्री बीकॉम जो है वो आप करना चाहते हो तो उसकी जो फीस है वो 2,45,000 एक साल की फीस है, और आपकी जो बीकॉम ऑनर्स कोर्स है उसके लिए जो फीस है वो है 70,000 to 2,00,000। ठीक है, तो इसमें काफ़ी वेरिएशन है डिपेंडिंग कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं। 4 स्ट्रीम है, मतलब आप बीकॉम जनरल डिग्री कोर्स कर सकते हैं, बाकी 3 आपका स्पेशलाइज्ड है। पहला है प्रोफेशनल, सेकेंड अकाउंटिंग एंड फिनेंस, थर्ड इंटरनेशनल फिनेंस। ओके, एडमिशन के लिए आपको CUET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। जैसे ही आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होता है, एंड देन आपको माइक्रो प्रेजेंटेशन भी पास करना होता है। नेक्स्ट है रामजस कॉलेज, ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1917 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपके 12th में मिनिमम 60% होने चाहिए और कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप एलिजिबल हो। इसके अलावा मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, आगे इसमें अगर हम सीट्स की बात करें तो बीकॉम कोर्स के लिए 93 सीट्स है और बीकॉम ऑनर्स के लिए 124 सीट्स है, तो आप बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं। एडमिशन आपका मेरिट बेसिस ही होगा। अगला है नरसिंह मौर्य कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो कि मुंबई में है, और यहाँ से आप जनरल बीकॉम कोर्स कर सकते हैं या फिर आप बीकॉम इन अकाउंटिंग फिनेंस एंड बीकॉम इन फिनेंशियल मार्केट से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फीस है बीकॉम कोर्स की वो 27,000 to 35,000 के आसपास है, मतलब ये कि ईयर टू ईयर आपकी फ़ीस वैरी करती है और यहाँ आपका एडमिशन मेरिट बेसिस ही होगा। फाइनली नंबर 10th पोजीशन पे है मिथिबाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो कि मुंबई में है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड है। यहाँ अगर हम फीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर की फ़ी होगी आपकी 35,000, सेकेंड ईयर की 27,000 एंड अगेन थर्ड ईयर की 30,000। तो ईयर टू ईयर आपकी फ़ीस वैरी करेगी। यहाँ से आप बीकॉम अकाउंटिंग एंड फिनेंस से कर सकते हैं, आप जनरल बीकॉम कोर्स कर सकते हैं या फिर आप फिनेंशियल मार्केट से बीकॉम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, महाराष्ट्र बोर्ड से हो सकता है या फिर कोई और इंडियन स्टेट बोर्ड से भी हो सकता है। कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि अगर वो 12th साइंस बैकग्राउंड से पास आउट किए हैं तो क्या वो बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं, तो आंसर है येस, आप कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किया है, लाइक कुछ आपने देखा होगा कुछ कॉलेज के लिए मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मेंशन किया है वहाँ पे आपका वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अदरवाइज आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं। सो अगर कोई डाउट है तो आप हमें पे DM कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी डिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मैं उस बेसिस पे ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।